वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं चार बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है, पेंशनर्स को जुलाई मंथ में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है। किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या है उसका प्रोसीजर, वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ के DODR पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक नहीं आया है, मई मंथ का, जून मंथ का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या 53% DODR होने के बाद, DODR मर्ज होगा 50% होने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 18 मंथ्स के DODR पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ एक फोर्थ बड़ी अपडेट होगी, वो CGHS कार्ड के कार्ड होल्डर्स हैं या CGHS के जो बेनिफिशियरीज हैं उसे लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। चारों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरी वीडियोस को, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा, जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन सैलरी और पेंशन फैमिली पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स को, इवन कर्मचारी को, किसी उसके बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पेंशनर्स का एरियर्स जुलाई मंथ में मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल चुका है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसका जिक्र भी किया था, कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को अब धीरे धीरे मिलने लगा है। साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स को 50,000, 60,000, 1,00,000 तक का एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो उनके खातों में अब पहुंचने लगा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज करना है, साथ ही साथ क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं जिसके बाद आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल जाएगा। उसके बाद पेंशनर्स ने वैसा ही किया और उनको काफी हद तक अब एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स था वो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको बताएं या आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीजें उसमें अपडेट्स होंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जिसमें 53% अब DODR होने के पूरे पूंछे चांसेस हैं। लेकिन अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा फिर से रुक गया है। जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ्स में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा नहीं पब्लिश किया गया था, उसके बाद अब मीडिया में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी थी कि गवर्नमेंट DODR को मर्ज कर सकती है 50% के बाद में अब फिर से। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट वापस लिया गया, उसके बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो DODR होता है उसको फिर से अपडेट कर दिया गया और उसमें बाद फिर से अब DODR आने लगा, उसके डेटा पब्लिश कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो रोक दिया गया है, तो अब फिर से ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो DODR होगा उसमें क्या अपडेट होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी कुछ दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, साथ ही साथ कर्मचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पे ही आपका जुलाई मंथ का और आपका DODR उसमें तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% है, फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 54% तक जा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DODR पर क्या बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली 18 मंथ्स के DODR पर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इम्पोर्टेंट लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें कोविड के टाइम का जो DNS अलाउंसेस का जो एरियर्स था वो रोका गया था उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन DNS अलाउंसेस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा सेशन में भी कई बार इसमें कम्युनिकेटेड किया गया, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज और पेंशनर्स की यूनियंस ने भी 18 मंथ्स के DODR को जो रोका गया था कोविड के टाइम पे उसको देने की बात कही है।
उसमें ये लेटर में ये भी बोला है कि जो हमारा देश है, नेशन है, ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है हमारे पैंडेमिक से, उसके बाद में अब हमारी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड के टाइम में, कर्मचारियों ने कोविड टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, और उसके बाद उन सबका जो है अब जो DA DR है उसको, उनका उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूट था उसको DA DR के रूप में उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनियन और पेंशन भी, पेंशनर्स की एसोसिएशन भी सरकार से एक बार बोल चुकी है, कई बार बोल चुकी है कि सरकार जो है नेगोशिएशन या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, जिससे अगर एक बार गवर्नमेंट DA DR नहीं दे सकती एक बार में, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जो कि आ रही है CGHS के कार्ड्स को लेकर के, CGHS के जो यूज करते हैं बेनिफिशियरीज उनको लेकर के, आप देख सकते हैं सामने CGHS के न्यू रूल्स आ गए हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑनलाइन करना होगा CGHS कार्ड के लिए अप्लाई। सरकार ने इसमें नियम बदल दिए हैं, क्या नियम बदले गए वो भी आप देख सकते हैं। CGHS में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS के कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या वो दिशा निर्देश है वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम दिशा निर्देश जारी यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं, और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सारी चीजें अब आगे होंगी, जिनमें से कई सारी गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, उसमें केंद्र सरकार ने उन्हें बोला है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या वहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा और हार्ड कॉपी से संबंधित अपने विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CGHS कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे, और जैसे ही एप्लीकेशन लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीजों में फिर से चेंजेस किए जाएंगे जो भी आपका उसमें होगा, और चेंजेस करने के बाद इसमें सारी चीजें फिर से उसमें कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको एक नया CGHS कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और आपको अब किसी भी अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी अपडेट बताई, जिनमें 18 मंथ्स के DR का एरियर आपको मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब 18 मंथ्स का DA और DR का एरियर के लिए मना कर चुकी है तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली बता दूंगा 18 मंथ्स के DA और DR आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग लगातार पूछते रहते हैं कि 18 मंथ्स के DA और DR के बारे में क्या चीजें चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीजें और भी अपडेट होंगी 18 मंथ्स के DA DR पर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स के DA DR पर कितना आपको पैसे बनते हैं, या फिर आपको उनको 18 मंथ्स का DA और DR आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। मैं इसमें 3 बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बजट पर मैं बात करने वाला हूं कि बजट सेशन 2024 में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या क्या मिलने वाला है, क्या 18 मंथ्स के डीए और डीए एरियर्स का पैसा एक मुफ्त मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी वहां होने वाली है। इसके अलावा और भी एक मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं, पेंशनर्स को खाते में 3 लाख रुपए तक आ सकते हैं। कैसे आएंगे पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और सर्कुलर देखते हैं। अगर आपको भी कोई अपने पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट, या आपके पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कमेंट को और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं जो भी मेन मुद्दा उस पर। तो जी हां दोस्तों, बजट 2024 की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है,
जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वो 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी, यानी 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 22 जो आपका उसमें जो सेशन है बजट सेशन है, और 22 अगस्त से लेकर के आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें होंगी और 2024-25 का आम बजट पेश किया जाएगा। तो पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जो चीजें होंगी वो रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए भी कई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन की जो यूनियंस और फेडरेशन है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी कई जगह पर एनसीजेसीएम ने भी कई जगह पर एक लेटर लिखा है और जिसमें बजट सेशन में उसको बात करने की कोशिश की है कि इन सब चीजों को भी बजट सेशन में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहला बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है 18 मंथ्स के DODR के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि 18 मंथ्स के DODR के एरियर्स जो है उसका एरियर्स आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स का DODR के एरियर्स गवर्नमेंट मना कर चुकी है, अब वो नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन 18 मंथ्स का DODR का एरियर्स आपका जो है आपका पैसा है और आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए यूनियंस और फेडरेशन भी इसके लिए चाहती है कि बजट में इसके लिए अलग से एक राशि फिक्स होनी चाहिए। जो भी बजट हो इस 18 मंथ्स के DODR का एरियर्स का वो आपको मिलना चाहिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी रिक्वेस्ट की जो कि आ रही एडिशनल पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर बजट सेशन में एडिशनल पेंशन का जो पैसा है वो एक मुश्त अगर वहां पर बजट में अलॉट हो जाता है तो उसकी अप्रूवल मिल जाती है तो आपको एडिशनल पेंशन 5, 10 और 15% मिल जाएगी। 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन का मतलब है कि आपकी 60 से 65 साल के बीच में आपको 5%, 65 से 70 साल के बीच में आपको फिर से 5% यानी 10%, 70 से 75 साल के बीच में फिर से 5% और 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि आपको 20% आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं उसमें, आप 100 ईयर्स की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसकी डबल यानी कि पूरी पेंशन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। हालांकि खैर ये बात को हम छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं बजट सेशन की। तो बजट सेशन में दो बड़े मुद्दे रहेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स के, जिसमें 18 मंथ्स का DODR का एरियर्स होगा, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है। जितनी 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उसके लिए क्या देखते हैं कि क्योंकि बहुत सारे यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार को लेटर भी लिखा है और इसमें बोला है कि बजट सेशन में इनको शामिल किया जाए और बजट में इनकी राशि को वहां पर बजट अलॉटेड किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि बजट में इनकी राशि अलॉटेड हो और ये आपको 18 मंथ्स का DODR का एरियस हो तो और एडिशनल पेंशन जो आपकी है 5, 10 और 15% वो आपको मिले, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए और जिससे आपको आपका 18 मंथ्स के DODR एरियर्स और एडिशनल पेंशन में वृद्धि हो सके, क्योंकि ये दोनों ही आपको मिलने चाहिए। और बाकी पेंशनर्स भी बहुत सारी चीजें इसमें बोलते हैं, उसमें भी उन सब चीजें ऐड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंशनर्स की जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन 5 साल बाद 3,53,000 रुपए ली और बाद में उन्होंने क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए या कहां कहां उन्होंने कंप्लेंट्स की, इसमें हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। ऑफिशियल है ये, गवर्नमेंट की तरफ से ही सर्वे जो है इसमें सारी चीजें अपडेट की गई हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर एक पेंशनर्स थे, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को जो डिसेबल थे डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उन्होंने वहां पर इंक्लूड किया उस टाइम पर रिटायरमेंट के टाइम पे, लेकिन उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 2022 नवंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जो डिसेबिलिटी का एरियस था वो उसकी पेंशन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में उसके बाद ये सारी चीजें होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRMS पोर्टल के बारे में उनको पता चला और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फिल्ड की 22 सितंबर 2023 को, जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं। इसके बाद वो जो केस था जो कंप्लेंट फिल्ड की गई थी उसको आगे कंसर्न ऑफिस को यानी कि PCDA को फॉरवर्ड वहां से कर दी गई। इसके बाद उनके जो केस था उसको प्रोसेस किया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में वहां पर भेजा गया। इसी के मीन टाइम में जो केस था जो वहां पर फाइल्ड कंप्लेंट की गई थी वो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग में यानी कि SUM की मीटिंग में DOPPW के पास पहुंचा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के जो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग होती है जिसे SUM भी बोलते हैं, वहां पर जो डायरेक्टरेट वहां पर डायरेक्टरेट दिया गया जो सेक्रेटरी पेंशन थे उन्होंने बोला इस पर जल्द से जल्द काम करनी चाहिए, PCDO को उन्होंने जल्द से जल्द बोला। इसके बाद PCDO ने बिल्कुल
इमीडिएट वहां पर उस केस को सेंक्शनड किया, उसका एरियस 3,53,000 रुपए उनके फाइनल जो उनके डिसेबिलिटी पेंशन के थे उनके खाते में आए 29 जनवरी 2024 को। ये पूरा केस था वो 30 जनवरी 2024 को फाइनली उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और उनके अकाउंट में जितने भी एरियर्स बनते थे विद एरियर्स के साथ में उनके सारे पैसे उनको खाते में क्रेडिट किए गए। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं और आप कंप्लेंट वगैरह करना जानते हैं, आप सारी चीजें ऐड करना जानते हैं, तो आपको आपकी जो पेंशन बेनिफिट है, चाहे वो एरियर्स हो पेंशन का, डिसेबिलिटी एरियर्स हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या आप किसी भी टाइप की कोई पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड चीजें हो, वो आपको जरूर वहां पर मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, अगर उसमें 50 कमेंट भी आ जाएंगे, यानी 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे यस के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसको लेकर के आ जाऊंगा और पूरा मैं कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है और कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या क्या स्टेप्स को, जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आपको कंप्लेंट करने के बाद ध्यान रखनी होती है, और आपके रियल में आप उस पेंशन के हकदार हैं तो आपको वो पेंशन और उसके जो एरियर्स होते हैं वो जल्द से जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे में पेंशन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि सीपीएन ग्राम्स पर कंप्लेंट कर सकते हैं पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के जो कंप्लेंट है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। ऐसे हम बात कर सकते हैं, आप फिर से जो बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन को लेकर के फिर से चर्चाएं गर्म है और चर्चाओं में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि क्या फिर से 18 मंथ्स के डीओ डीआर के एरियर्स आपको मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन 5-10-15%, इन सबका जो बजट है वो सेपरेट डिसाइड होने वाला है इस बार। ये सब चीजें बजट अलॉट होने वाला है, आगे आके दिनों में बहुत ज्यादा चीजें इसमें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूं सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी खबरों के अलावा आपके जो प्रीवियस कमेंट्स थे उनको भी लिया जाएगा, जिनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको इस वीडियो के जरिए इस सारी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है जून मंथ की पेंशन क्रेडिट को लेकर के, साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी पर बड़ी खबर देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप फॉर्म 16 डाउनलोड पर भी एक बड़ा जो है अपडेट आया है, वो भी मैं आने में देने वाला हूँ। चौथी खबर है आपके कि जुलाई में आपके बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट होने वाला है, कैसे होगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ पांचवी जो बड़ी खबर है वो फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, फैमिली पेंशन पर भी एक बड़ी अपडेट मैं दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए, मैं अपने व्यूवर से एक अपील करना चाहूंगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेशन के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको घंटे के निशान को, यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को आगे इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं। और इसके अलावा एक और हम बात इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, अगर आपकी पेंशन या पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जून मंथ की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो चुकी है, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी जून मंथ की क्या पेंशन खातों में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट, या मैसेज कई बार नहीं आते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक करिएगा, या ऑनलाइन देख सकते हैं तो ऑनलाइन जरूर चेक करिएगा कि आपकी मंथ की, इस मंथ की आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम पेंशनर्स की खातों में आ चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी इस मंथ की पेंशन आपके खातों में आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं आई है और क्या रीजन उसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। तो नोशनल इंक्रीमेंट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनका एक इंक्रीमेंट का लॉस उठाना पड़ता है। बेसिकली नोशनल इंक्रीमेंट ऐसे इंक्रीमेंट को कहा जाता है, या ऐसे पेंशनर्स जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है या नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगता है, तो ऐसे में
उनको कई बार नॉशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। तो जब नॉशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है ऐसे पेंशनर्स को, जो रेस्पेक्टिवली 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट होते हैं वहां पर उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, और उससे उसके बेसिस पर ही उनके जो पेंशनरी अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे वो डीआर हो, चाहे उनकी बेसिक हो, क्योंकि बेसिक भी बढ़ती है 3%, तो उसके बेसिस पर सारे जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं। तो अगर आप भी 30 जून को रिटायरमेंट हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑफिस को कहिए कि आप उनका नॉशनल इंक्रीमेंट लगाएं और उनको एक एक्स्ट्रा बड़ा हुआ इंक्रीमेंट उनको प्रोवाइड करें। अगर आप ये सब कार्रवाई कैसे करनी है डिटेल में, नॉशनल इंक्रीमेंट कैसे लगवाना है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, अगर वो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हम आपको वहां पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें नॉशनल इंक्रीमेंट के बारे में सारी जानकारी दी गई होगी, और वहां से आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आप वहां से ले पाएंगे, जिससे आपके और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो अब जो है आपका फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो स्पर्श से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अलग मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं वो वहां से भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो एम्प्लॉयज हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज हैं, वो भी अपना अपने ऑफिस से, जहां भी डीडीओ आपका होता है, कैश डिपार्टमेंट होता है, वहां से जाकर के अपना फॉर्म 16 वहां से ले सकते हैं और सारी चीजें उसमें अपडेशन करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तब चलें, अगली बड़ी खबर आ रही है जुलाई में बेसिक में इन 3% की बेसिक में इंक्रीज होने वाली है। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है आने वाला है, लास्ट वर्किंग डे को आ जाएगा, और जैसे ये आ जाएगा तो उसके बाद में आपका जुलाई मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो कन्फर्म हो जाएगा, और अब आपको जो है 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिख रहे हैं। जुलाई से 3% आपका फिर से बढ़ोतरी हो जाएगा, और बढ़ोतरी होने के साथ ही अब यहां पर 53-54% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जा सकता है। हालांकि अब एक मंथ का और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जैसे ही वो आएगा तो आपका कन्फर्म हो जाएगा डीए और डीआर किनको कितना प्रतिशत मिलने वाला। हालांकि मुझे जो लगता है कि 3% तक ही इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसके बेसिस पर बढ़ोतरी इस बार ज्यादा नहीं हुई है, और बढ़ोतरी नहीं होने के चलते आपको 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहां पर मिलेगा। तो जुलाई में 3% महंगाई भत्ता के चलते आपकी सारी जो डेटा है वो 3% तक उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की, ऐसे पेंशनर्स जिसमें पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनकी जो नॉमिनीज हैं यानी उनकी वाइफ हैं, उनकी भी उस सिचुएशन में अगर डेथ हो चुकी है, तो अब आपको अगर आप उनके लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों अलग अलग सिचुएशन में पेंशन मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लड़कियां ये सोचती हैं, महिलाएं ये सोचती है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती है, उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जो है आपने अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, या आप विडो हैं, या फिर आप डाइवोर्सी हैं, तो आप अपनी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और वो आप ले सकते हैं। इवन जो लड़के भी हैं अगर वो कुछ नहीं करते हैं और 25 साल से कम की एज है, तो वहां पर भी वो फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन यही होनी चाहिए कि पेंशनर्स और उसकी वाइफ वहां पर डेथ उनकी होनी चाहिए। अगर वो डेथ हो गई है तो आप अपनी पेंशन के लिए फिर से अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में संपर्क करिए, और वहां से आप अपना जो है आपका इसमें सारी जो अपडेट फॉर्म फिल करिए, और आपको फैमिली पेंशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, हम फैमिली पेंशन आपको कैसी मिले उस पर भी वहां पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स की जिनकी एज 80 ईयर्स हो गई है, लेकिन अभी तक उनको एडिशनल पेंशन खातों में नहीं दी गई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल की एज पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनको एडिशनल पेंशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं लिखी है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1964 है, तो उन्होंने सिर्फ 1964 लिखा हुआ है, या फिर मंथ नहीं लिखा गया है, या एग्जैक्टली डेट नहीं लिखी गई है। तो आपके जितने भी पीपीओस हैं उनमें आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल क्लियर कराइए, और ऑफिस में आप अपना मिलिए और उनसे सारी चीजें उनको बताइए कि हमने डेट सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स करा दी है अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के। उसके बाद से अब आपकी पेंशन में जो एडिशनल जो 20% की वृद्धि होती है वो वहां पर हो जाएगी, और 20% बढ़ोतरी होने के बाद में वहां पर जो आपकी बेसिक पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने 80 साल की एज पूरी कर ली है, लेकिन उनको जो है फाइनली
एडिशनल पेंशन का फायदा अभी तक नहीं पहुंच पाया और आपने वहां पर इन्फॉर्म भी करना होता है। आप इन्फॉर्म करेंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के, सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चेकअप करेंगे, चेक करने के बाद वहां पर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उसके बाद में आपकी एडिशनल पेंशन वहां पर लग जाएगी। अब एक और बात करते हैं, यहाँ पर 18 मंथ्स के DODR पर। तो 18 मंथ्स के DODR पर अभी लेटेस्ट अपडेट से आया है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मीडिया में जो खबरें आ रही अगर उनकी माने तो कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ के DODR पर बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ की बात करें तो उस पर सुनने में आ रहा है या मीडिया में जो खबरें आ रही है कि जल्द से जल्द इस पर पॉजिटिव कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा और कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए इसमें एक बड़ी सी राहत की खबर मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड के टाइम पे 18 मंथ का DODR का एरियर सामने रोका गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशनर्स को बढ़ते हुए रेट पर तो दिया गया था DODR, लेकिन 18 मंथ का DODR प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसके बाद यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अब जो है एक और फिर से लेटर लिखा है जिसमें कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के 18 मंथ के DODR को बहाल या रिस्टोर करने की बात कही गई है। आगे जब भी इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखने के लिए कहा तो यस जरूर लिखिएगा और नो बोला तो नो जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन। और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई सारे अपडेट्स लेकर आए, चाहे वो उनकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर के हो, 18 मंथ्स के DODR पर हो, साथ ही साथ नए पे कमीशन यानी आठवें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड हो और भी कई ऐसे 14 पूरे इश्यूज होने वाले हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे। सामने आप एक लेटर भी देख रहे होंगे जो कि लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एक लेटर लिखा गया है, इसके अलावा और भी कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनमें पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको बताते हैं, साथ ही साथ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स लेते हैं और उनके जो भी सॉल्यूशन करने होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लेकर आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सामने देख सकते हैं कि 18 जून 2024 को ये इम्पोर्टेंट लेटर लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सारी चीजें एक बात की गई है, जिनमें से आप देखेंगे मैं इम्पोर्टेंट 14 इसमें लेटर्स में बात की गई है, मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा। आप ये डाउनलोड भी कर पाएंगे, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 65 लाख पेंशनर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो डिमांड्स रही हैं वो हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड रही है। ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन है उसके रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसमें रही है, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आप पॉइंट नंबर 2 देख पा रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा सिविलियन जो वैकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पोस्टल हो, इनकम टैक्स हो, CAG हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। उसके बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि आउटसोर्स करने की जगह पर परमानेंट पेरेंटियल जॉब कंटिन्यू जॉब दी जाए, जिसके चलते वहां पर बहुत सारी चीजें वैकेंसी फिल हो पाए और बहुत सारी चीजें लोगों को वहां पर जागरूक लोगों को जॉब्स मिल पाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको फिर से विड्रॉ किया जाए, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज की जो गारंटेड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर किया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इसमें इश्यूज हैं। पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं आठवें वेतन आयोग को नेक्स्ट वेज रिविजन के लिए या नेक्स्ट पे कमीशन के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको रिवाइज किया जाए। ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि आठवें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इसमें पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लेकर के कोई ना कोई एक कमेटी बना सकती है और उसके बाद आठवें वेतन आयोग का गठन उसमें हो सकता है।
अब 66 नंबर का जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, टू रिलीज द 18 मंथ्स डीए एरियर्स फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि आप 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि गवर्नमेंट उसको देने के लिए मना कर चुकी है। तो आपको बता दूं 18 मंथ्स के डीए और डीआर आपका उसमें हक है और आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारे पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको मिले, इसलिए बाकी यूनियंस और फेडरेशंस भी हैं वो भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करती रहती हैं, डिमांड्स और रिक्वेस्ट करती रहती हैं सरकार से। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, टू ग्रांट 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू द वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट। आप सभी को पता है कि कंपनसेट जो अपॉइंटमेंट है वो 5% की सीमित लिमिट है, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन सरकार से बोल रहे हैं कि उनको 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए जो भी उनके डिपेंडेंट जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स है, और उनको 5% सीलिंग से हटा करके 100% सीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड है, रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन टू द पेंशनर्स आफ्टर 12 इयर्स इंस्टीट ऑफ द प्रेजेंट 15 इयर्स। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो 15 साल में होता है, लेकिन अब रिस्टोर 12 साल से पहले उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स की और यूनियंस कई बार इसके रिगार्डिंग भी पहले भी लेटर लिख चुकी है कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह कम करके 12 साल या 11 साल या फिर 10 साल तक कर देना चाहिए, क्योंकि 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है जिसके चलते पेंशनर्स अपनी कम्यूटेड पेंशन को नहीं ले पाते हैं और उसके बाद में उनको कई सारी चीजें पैसे होने के बाद भी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके बाद में उनको जो कम्यूटेड पेंशन है वो दी जानी चाहिए 12 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, उन रिकमेंडेशंस में 5% हर साल 5% के ब्लॉक में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कई सारे और भी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें सीजीएचएस भी शामिल था, हॉस्पिटल्स भी शामिल थे, और इसके अलावा 5% जो है उनको पेंशन में बढ़ोतरी का भी दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं 11 नंबर पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू इनहांस द पेंशन ऑफ द पेंशनर्स बाय 5% वंस इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, यानी 65 साल की अगर एज पूरी कर लेता है कोई पेंशनर तो 5% की बेसिक पेंशन में उसकी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, 65 से 70 के बीच में 70 साल का जैसे ही पेंशनर्स होगा तो 5% की फिर से बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसके रिकमेंडेशन भी किए थे बहुत सारी चीजों पर, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इसमें अभी बाकी रह गया है। पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, टू एस्टेब्लिश सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट एज रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथ द सीजीएचएस बाय इंपेलिंग मोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो रिवाइजिंग द रेट्स रेगुलरली। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थे उसने सजेशन दिए थे कि जितने भी सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर है उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और ज्यादा इम्पेनल्ड किया जाए, साथ ही साथ जो रिविजन जो रेट्स हैं उसके उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज किया जाए, जिससे सीजीएचएस के जो रेट्स अभी काफी कम है इस टाइम पे और पेंशनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें अगर उनको उनकी रिवाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहे जिससे कि उनको और भी कई सारी चीजों का फायदा मिल सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन विच वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है या पेंशनर्स कह लो उनके लिए जो रेलवे के कंसेशंस थे वो कोविड के टाइम पे सस्पेंड कर दिए गए थे, साथ ही साथ उनको बोला जा रहा है कि ये सब चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए कर्मचारियों के लिए इसमें कई और भी सारी चीजें हैं जिनको मैं रीड अभी नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने मोस्टली जो पेंशन से रिलेटेड चीजें थी वही इसमें डिटेल बात की है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी डिमांड्स कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार पूरी कर सकती है और सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार को पूरी करना चाहिए, आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर देना यस लिख दे जाना, उसके बाद ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि सबसे पहले पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए,
साथ ही साथ 18 मंथ्स के DODR के एरियर्स भी मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट सरकार से जरूर पूरी करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के उनकी पेंशन में एरियर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेख आयोग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी जो पेंशन में एरियर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग होने के बाद में वहां पर बहुत सारे चीफ कंट्रोलर आए पेंशन के और बहुत सारी चीजें उसमें डील हुई, तो जिससे पेंशन आपके खातों तक सही पहुंचे, आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिले और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। पूरा डिटेल में जानेंगे हम। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो कि मैंने बताया किसकी तरफ से जारी किया गया है, साथ ही साथ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन लिए गए आपके वेलफेयर से रिलेटेड या आपके बहुत सारे चीजों से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन में बहुत सारे एरियर्स जुड़ने होते हैं या बहुत सारे एरियर्स उनको मिलने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपना एरियर्स ले सकते हैं और कौन कौन से पेंशन के एरियर्स के अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हुए और उसमें एक मीटिंग जो ही वो चीफ कंट्रोलर हैं पेंशन डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारी चीजों पर बात की गई, जिसमें पेंशन के जो एरियर्स हैं जो पीएओ की तरफ से सीपीएओ लेवल पर जारी किए जाते हैं उन सब पर भी वहां पर बात हुई, जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा डिटेल में जानेगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट दे दूं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको वहां पर अपडेट करने के लिए पूरी पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उनको अपडेट कर देंगे। सामने आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाद में और भी इन्फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन के जो एरियर्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मीटिंग हुई उसमें क्या चीजें वो भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्चुअल मीटिंग ऑन द अफोर्समेंशनड सब्जेक्ट वाज कन्वेड ऑन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेयरपर्सन थे उस मीटिंग में वो चीफ कंट्रोलर थे पेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीजों पर अपडेट दिया गया। क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 8 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर बड़ा तोहफा जारी। आपको बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है। साथ ही साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या उनके जो एरियर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है। इस समस्या को, पेंशन धारकों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने अब निजात कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे पेंशन धारकों की अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीएफ में क्या क्या शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है यानी किस तारीख तक सारी चीजों से बदलाव करना है, साथ ही साथ मैनुअल जो प्रक्रिया है उससे भी वहां पर एक बड़ी निजात मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम भी जुड़ेगा, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन को बहुत ज्यादा राहत वहां पर मिलेगी।
और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को नहीं होगी सुविधा, क्या क्या सुविधा, क्या क्या असुविधा नहीं होगी वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। इसके माध्यम से पेंशन भोगी अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के सीपीसीसी के प्रमुख हेड को आदेश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहां पर बाकी चीजें होती है उन सब चीजों के लिए सीपीसीसी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है, यानी सीपीसीसी के हेड यानी आपके पेंशन के हेड्स को सभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दिया गया है। इसके तहत उनको बोला गया है कि आपकी जो भी उनके सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ अपग्रेड करने के बाद वहां पर सारी चीजें पेंशन को बताई जाए जिससे पेंशन धारकों को कोई भी सुविधा वहां पर कोई भी असुविधा का वहां ना हो और पेंशन को चंद सेकेंड्स में सारी चीजें मिल सके। ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके एरियर के जुड़े सभी कैश, जो भी कितने भी कैश होंगे सारे यानी जो भी इश्यूज होंगे डिजिटली रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। अभी तक आपको पता है कि जितने भी आपकी सीपीओ से सीपीएओ से सारी चीजें आती है उनमें आपके मेडिकल अलाउंसेस और जो भी एरियर्स होते हैं उनका डिजिटली रूप में आपको भेजे जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि वो सारी चीजें वहां पर एड होकर नहीं आती थी जिससे पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा या पेंशनर्स को फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी और मेडिकल अलाउंसेस और एरियस का कॉलम आ जाएगा जिससे सारी और इसके अलावा सीपीआईओ आपके जितने भी केसेस केस होंगे वो सारी चीजें टैली करेंगे और टैली करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें एक ही साथ वहां पर ली जाएंगी। इसके अलावा सीपीआईओ द्वारा ने 6 मई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है और बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया वो भी हम देखेंगे। इसमें इस बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इस पी की इन्हें ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगियों को पेंशन के सारी चीजें उनको अवगत हो सके, उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ रहा है और भी एरियर्स कितना है और भी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें उस सर्कुलर में मैंने आपको बताया। जो सर्कुलर मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया था उसमें ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई थी। अगर आप भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से यस लिखिएगा, वहां से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। और भी चीजें हैं उसमें वो भी डिटेल में मैं बताऊंगा। इस तारीख तक सिस्टम में करना है बदलाव। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाली बैंकों के सीपीसीसी हेड को कहा गया है कि वे 15 मई 2024 तक अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े सभी एरियस के केसों की प्रक्रिया डिजिटल तरह से पूरी डिजिटल तरह से होगी और इसके बाद ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस एरियस ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो अभी मैंने बताया 6 मई 2024 का जो लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीपीएओ की तरफ से उसमें ये सारी चीजें सीपीसीसी को हेड को कहा गया कि 15/5/2024 तक आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें और इन कॉलम्स को भी ऐड कर लें जिससे पेंशनर्स के लिए वहां पर कोई भी समस्या का न हो और सारी चीजें उनको वहां पर एक साथ मिल सके। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को जो भी मैनुअल प्रक्रिया होती है उससे निजात मिल जाएगी। कोई भी पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ में ये सारी चीजें देख सकेगा कि उसके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सीपीओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आपको साइंटिफिक अफसर SBCPO को संपर्क कर सकते हैं। तो ये कई सारे चीजों में अपडेट किया गया है। अब आपको सारी चीजें मैनुअल के बाद में सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी और डिजिटल होने के बाद में पेंशन्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देख सकते हैं जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर पहले भी आपको बताया था, इस सर्कुलर के जरिए ही सारी चीजें पेंशन और पेंशन पेंशनर्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं चाहे उनके एरियर्स में पेंशन को लेकर के हो या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को, वो सारी चीजें क्लियर की जाएं। और अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं श्री धीरज कुमार साइंटिफिक ऑफिसर SBCPO या फिर ये मेल आईडी आप देख सकते हैं dheeraj.kumar89@nic.in पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के लिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेंशन के जितने भी एरियर्स हैं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते
होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है या हाल ही में ही पेंशनर से कर्मचारियों से पेंशन बने होते हैं तो उनको पीपीओस के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि सभी पेंशनर्स को उनके पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम से मिलें, सही पे मिलें और उनके अलावा उनको कोई भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको किसी भी टाइप से परेशानी ना हो। आप ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एडियट्स के लेकर के, जिससे उनके सारी चीजें घर पर ही सारी हो जाएंगी और चंद सेकंड में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे और साथ ही साथ अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसके साथ ही साथ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप हमें या सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगे। ये आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, वहां से सीधा ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर, आपके ग्रेड पे आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में वो भी मैं बताऊंगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन पे कमीशन में कितने परसेंट की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि इर्थ सीपीसी पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि एट पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें एट पे जिसमें पे कमीशन लिखा गया है, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने परसेंट हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है, साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ पे कमीशन की। थर्ड पे कमीशन से फोर्थ पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में, फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था, वो मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं फिफ्थ पे कमीशन में, जब फिफ्थ पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई, फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं सिक्स पे कमीशन की, इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहाँ पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर वो फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है, जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा उसके बाद ही यहाँ पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि सेवंथ पे कमीशन में, सेवंथ पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18000 नहीं आते हैं, रफली 18000 रुपए आए, 17500 आए तो उसको 18000 रुपए बेसिक बनाया गया। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने परसेंट का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, वो कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है, अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर फोर्थ से फिफ्थ के कमीशन में आप देख सकते 31% का हाइक हुआ, सिक्स पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ, सेवन पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर सिक्स पे कमीशन की, इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा,
वहीं सेवन पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करेंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या आठवें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने प्रतिशत की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे, आठवें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए, यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। एट्थ पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल टू एस्टेब्लिश द 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी टाइम्ड विद द अपकमिंग बजट फॉर 2024 एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई। द प्रपोजल एम्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द बेसिक पे अलाउंसेस पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है उसमें इस पर बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन, मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th सीपीसी। इन अ डिटेल लेटर टू द कैबिनेट सेक्रेटरी मिश्रा हाईलाइटेड द नीड फॉर दिस कमीशन टू एड्रेस द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट पेंशनर। तो आप देख सकते हैं कि जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की, क्या की और क्या टाइमिंग हो सकती है आठवें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिशनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन इज फॉर्म्ड एवरी 10 इयर्स टू इवेल्युएट एंड रिकमेंड चेंजेस टू द पे स्ट्रक्चर्स अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि आठवें वेतन आयोग या कोई भी पे कमीशन होता है वो उसका इवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द सेवंथ पे कमीशन एस्टेब्लिश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन फरवरी 28, 2024 इम्प्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2016। आपको पता ही कि सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 2001 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं सीपीसी कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th सीपीसी प्रपोज टू कमेंस फ्रॉम 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका आठवां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाउ मेट द गवर्नमेंट हैज येट टू अनाउंस द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट लीवर लीविंग ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स अवेटिंग अपडेट्स। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का आठवें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8th सीपीसी फॉर लेवल 1 to level 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 के यहाँ पर टेबल लेकर आए, जिसमें 6th पे कमीशन 8th पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल
वन में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वहीं हम बात करें लेवल थ्री, लेवल वन में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 46,000 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2,200 है 50,200 हो जाएगा, 22,800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल टू की। अगर लेवल टू में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल टू में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपए हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपए अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपए हो जाएगा, और अगर 21,700 रुपए आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपए आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8th पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल थ्री की बात करें, अगर आपका लेवल थ्री में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपए है, आप देख सकते हैं लेवल थ्री में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपए है तो आप 49,500 रुपए यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यहीं बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपए है तो 91,100 रुपए तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपए इसका बेसिक है तो 52,700 रुपए बेसिक हो सकता है। लेवल थ्री में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल फोर जो कि ग्रेड पे होता है 2,400, इसमें अगर हम बात करें तो 7th CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2,800 ग्रेड पे होने के बाद 2,800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपए हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपए यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर फोर्थ की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपए है तो इसमें 63,600 रुपए, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपए है तो 65,400 रुपए आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल फाइव की बात करें जिसका ग्रेड पे 2,800 होता है, अगर 7th CPC में स्टार्टिंग लेवल फाइव में 7th CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपए यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 3,000 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपए हो सकता है, और 31,100 रुपए है तो 70,700 रुपए हो सकते हैं, 31,900 रुपए अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपए हो सकता है, 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है, और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपए आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है, फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस टेबल को तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और आप हमें कमेंट 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, या 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या क्या बेसिक आप रखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हमें आपका हमारे YouTube चैनल में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी में खबरें देने वाला हूं, जिसमें
आप सभी के लिए कई सारी बड़े अपडेट्स होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एक बजट सेशन आएगा जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए भी कई सारी चीजें उसमें दी जा सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर कई सारी चीजों का लेकर के इन पर, चाहे वो 18 मंथ के डीए या डीए एरियर्स हो, मिनिमम पेंशन हो, पेंशन टैक्स फ्री हो, ऐसे करके बहुत सारी इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट इनको सॉल्व कर सकती है। तो कौन कौन से वो इश्यूज होंगे जिन पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि जो पांच सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सबसे बड़े इश्यूज हैं पेंशनर्स और इम्प्लॉइज के लिए, तो इन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई अपडेट्स मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पहली बड़ी खबर देने वाला हूं 18 मंथ के डीए एरियर्स पर, क्या उसमें अपडेट्स हैं। दूसरी बात है कि मिनिमम पेंशन आपकी 9000 रुपए है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट्स, पेंशनर्स मोस्टली कमेंट्स करते हैं जिन भी पेंशनर्स की टैक्स में कटौती होती है उस टैक्स लैब में आते हैं, उस पर क्या अपडेट्स हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट है पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के, वो भी एक बड़ा अपडेट है इसमें कि क्या उसमें अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ इसमें और आठवें वेतन आयोग को लेकर के भी इसमें कई सारे अपडेट निकल के आएंगे, क्या ये बजट सेशन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में बताऊंगा और पूरी अपडेट मिलेगी आपको, इसलिए पूरा लास्ट से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बजट सेशन आएगा, उसमें पेंशनर्स की कई सारी मांगे या कई सारी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, और सूत्रों की माने तो इसमें कई सारे चीजों में देखने को मिल सकती है, वो तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है और कई सारी चीजों पर उसमें अपडेट्स और चीजों को बढ़ोतरी देखने पर मिल सकती है, जिनमें सबसे ज्यादा जो है मैटर सबसे बड़ा है 18 मंथ के डीए और डीआरएस का। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारी ये बोलते हैं कि 18 मंथ के डीए एरियर्स पर आप बार बार बात क्यों करते हैं, उस पर अपडेट क्यों देते हैं जबकि वो नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पैसा है, 18 मंथ का डीए और डीआरएस आपको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा यूनियन और फेडरेशन भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे, डिस्कशंस भी हुए, जिसमें 18 मंथ का डीए और डीआरएस का जो इश्यू था वो सबसे पहले रखा गया था, क्योंकि ये आपका पैसा है इसलिए आप इसे भूल नहीं सकते। अगर ये मिलता है तो आपको आपकी पेंशन में लाखों रुपए तक बढ़ोतरी होगी और उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए 18 मंथ का डीए और डीआरएस का जो इश्यू है वो आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कई बारी और भी लोग हैं यूनियंस के, सारी फेडरेशन के, वो भी इसको उठाते रहते हैं और आपको ये मिलना ही चाहिए, इसलिए 18 मंथ के डीए डीआरएस को आप भूलिए मत, ये भी एक बड़ा इशू है, इससे आपको लाखों पे मिल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मिनिमम पेंशन पर। आप सभी को पता है कि आपकी मिनिमम पेंशन सातवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यानी सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 9000 रुपए प्लस डीआर है, लेकिन और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्लस डीआर है, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी मिनिमम पेंशन कितनी है और मिनिमम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि मिनिमम पेंशन अगर 13000 रुपए तक होती है तो उससे भी पेंशनर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि अगर मिनिमम पेंशन बढ़ती है तो जो अदर अलाउंसेस होते हैं यानी कि जो डीआर वगैरह है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को इसमें थोड़ी सी रिलीफ वहां पर मिल सकती है। तीसरी बात करते हैं यहां पर पेंशन टैक्स फ्री की। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन टैक्स लैब में आती है और पेंशन को उसमें टैक्स में रखा जाता है, तो बहुत सारे पेंशनर्स की ये डिमांड रही है शुरू से ही और पेंशनर्स ये चाहते हैं और पेंशनर्स की रिक्वेस्ट भी रही है और यूनियंस और फेडरेशन भी लगातार इस मुद्दे को भी उठाते रहे हैं कि पेंशन की जो पेंशन है, पेंशनर्स की जो पेंशन है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, उस टैक्स लैब में आने के बाद भी उनको टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी जिंदगी पूरी अपनी टैक्स देते ही आए, तो अब पेंशन उनकी टैक्स फ्री होना चाहिए। अब बात करते हैं बड़े अपडेट की, जो है पेंशन पर 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। इसमें मिनिमम पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती तो भी पेंशनर्स को फायदा होगा, लेकिन पेंशन के लिए सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है 5, 10, 15% इंक्रीज को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि आपकी बेसिक पेंशन 80 इयर्स के बाद 20% बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए, और अगर बेसिक बढ़ोतरी होगी तो उनके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, उसी के चलते पेंशन में 60 से 65 साल के ब्लॉक में 5% की,
65 से 70 साल के ब्लॉक में 10%, 70 से 75 साल के ब्लॉक में 15% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको वहां पर थोड़ी रिलीफ मिल सके। अब हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से बेसिक पेंशन में कितने प्रतिशत तक की, किस एज के हिसाब से आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सके और उनकी कई सारी चीजों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अगर सबसे बड़ी बात, बेसिक पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो आपके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते पेंशनर्स को कई सारी चीजें वहां पर एड ऑन होंगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की बात करें, बेसिक पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन मिनिमम सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए प्लस जो अदर अलाउंसेस वो होते हैं, लेकिन मिनिमम सैलरी अगर बढ़ती है 21,000-22,000 रुपए तक होती है, तो उससे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, साथ ही साथ पेंशनर्स को भी इसमें राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल 8वें वेतन आयोग की। आप सभी को पता है पिछले साल 8वें वेतन आयोग पर संसद में भी इसमें मैटर उठाया गया था, वहां पर भी इस पर डिस्कशन किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन बोल दिया था कि अभी कोई भी मिनिस्ट्रियल और इंटर मिनिस्ट्रियल 8वें वेतन आयोग पर गठन नहीं हो रहा है। यानी कि अब आगे आने वाले दिनों में जब 2024 एंडिंग पर पहुंचेगा तो 8वें वेतन आयोग की अब चर्चा जोरों पर हो गई है। मीडिया में जो खबरें आ रही उनकी अगर माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, और आपको पता भी है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, लेकिन उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस दिए गए थे, और कमेटी के रिकमेंडेशंस देने के बाद ही उसमें उसके रिकमेंडेशंस माने गए थे और आपकी 2016 से आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी 6 पे कमीशन के बाद से। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के बाद में जब 8वें पे कमीशन की बात करें तो 8वां वेतन आयोग देखने को मिल सकता है, उससे लास्ट के इस ईयर के लास्ट तक एक कमेटी गठित हो सकती है जो अपने रिकमेंडेशन दे सकती है और उसमें कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग पर हमें सबसे पहले भी बताएगा कि 8वें वेतन आयोग पर आपकी कितनी बेसिक पेंशन रखी जानी चाहिए, जिससे आपको वहां पर सारी चीजें, आपके सारे डेली के खर्चे, डेली एक्सपेंसेस और जो मंथली की ओपीडी मेडिसिन वगैरह के खर्चे हैं वो सारे आपके पूरे हो सके। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर पर भी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी बेसिक पेंशन और सैलरी बढ़ाने पर। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, अगर ये 8वें वेतन आयोग आता है तो 2.57 गुना में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए जिससे कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो जो लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3.68 गुना तक बढ़ोतरी होगी, तो मैं बता दूं इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, 3.68 गुना बहुत होता है। ऐसे करके बेसिक पेंशन लगभग डबल हो जाएगी, यानी कि अगर 9,000 रुपए है तो 15,000 से 16,000 रुपए तक पहुंचेगी। वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपए से बढ़ के 2,600 रुपए तक हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट तक हो सकता है अगर 2.57 गुना के बेसिस पर है। अगर 3 पॉइंट भी होता है तब भी बेसिक पेंशन आपकी 9,000 रुपए से बढ़ के 13,000 से 14,000 रुपए तक हो जाएगी, साथ ही साथ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़ करके 21,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तो आप हमें कमेंट करके इस पर भी बताएगा कि फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। डीआर आपका बहाल हो चुका है, अब आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आ चुका है, अब उसके बेसिस पर जुलाई 2024 में 3 से 4% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में जब बाकी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आ जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको बाकी चीजें कितनी वहां पर अपडेट होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।